नौजवान हमारा अंकुश जो है वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी शहादत को ये प्रदेश, ये देश हमेशा स्मरण करेगा, याद करेगा। उनके परिवार से मिलने के लिए आया था, उनके परिवार को भी मैं सांत्वना देता हूँ, ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद चाइना ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है इस घटना के दौरान, उनके मंसूबे को जाहिर हुए हैं। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और मैं उनके हर शब्दों पर मैं ही नहीं पूरा देश विश्वास भी करता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन जहाँ तक इस बेटे ने, अंकुश ने बहुत छोटी आयु में अपनी बहादुरी का सबूत दिया है और उनके परिवार वालों के साथ हम आज मिले हैं। 20 लाख रुपये हमारी सरकार का योगदान उनके लिए एक शहीद के नाते जो है वो दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उनने एक बात कही है कि एक रास्ते की बात कही है, एक गेट की बात कही है, द्वार की बात कही है, उन दोनों को भी हम मंजूर करेंगे। दोनों के लिए जो पैसा लगेगा उसके लिए मैंने कहा डेप्टी कमिश्नर को उस सारी चीज़ को लेकर के एस्टिमेट बना करके तैयार करें और उसके बाद जितना पैसा लगेगा उतना पैसा उसमें देंगे। इसी के तहत जो है एक और चीज़ यहाँ पर, जो हमारी BSC बड़ौता जो है यहाँ पर, तो इसको और ज़्यादा उन्होंने कहा कि इसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। लोगों की सेवा यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से हो सके, उस दृष्टि से क्या किया जा सकता है वो भी एक सुधार उन्होंने किया है, मांग की है।